आपने बताया कि अधिकारी भी हैं और एमपी भी हैं, वो भी हैं। बाबा साहब ने आगरे के अंदर जब एक मंच से बोल रहे थे, उनके आंखों से आंसू झलक रहे थे। मैंने पढ़ा है, मैंने देखा नहीं, पढ़ा जी, है जी, जी। और वो ये कह रहे थे कि आज जो मुझे धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है, और आज की जो चर्चा है वो उसी तरीके से है जैसे बाबा साहब के टाइम में थी। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, जो बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा चुके हैं, वो खुलकर सामने आके हमारे आंदोलनों में सहयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार की नीति रही है कि अगर आप एक संवैधानिक पद पे हैं तो आप इस तरह के आंदोलनों के हिस्सा नहीं बन सकते, और अगर बनते हैं तो सरकार की नज़र रहती है उन पे और उन्हें फिर परेशान किया जाता है, उनकी नौकरी पे दाव पे आ जाती है, या उनका परिवार कहीं कष्ट ना भुगते वो ये सोचकर जो है शांत रह जाते हैं, या तो उन्हें उस पद को छोड़ के तब आंदोलन का हिस्सा बनना पड़े, ये वो करें, कूदें उसमें अच्छी तरह। तो अपने आप को बचाना है, अपने समाज को भी बचाना है, क्योंकि इस तरह के संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं उनके ही थ्रू हम लोग अपने आंदोलन को चला पाते हैं, वो हमें डायरेक्ट तो नहीं इनडायरेक्ट वे में हमें हेल्प करते हैं। बाबा साहब का सपना था कि मैं, बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मानूंगा नहीं, लेकिन आज करोड़ों हिंदू है, और बाबा साहब बड़े पछता रहे होंगे उस समय जब मैंने घोषणा इतने लाखों लोगों के बीच में करी थी, क्या मेरा ये सपना, मैंने इतने लोगों के इतना सारा किया, अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, कि इतने सारे लोग मिलकर मेरा वो सपना पूरा कर पाएंगे आपके आंदोलन के माध्यम से, कि बाबा साहब को सपना पूरा होगा कि भारत बौद्ध में बनेगा? जी बिल्कुल, हमारे जीते जी बौद्ध में बनेगा, और हमारा जो हम बौद्ध बिल चाहते हैं वो पूरा होगा, और बाबा साहब का सपना ही पूरा होगा, हम जरूर करेंगे, अपने जीते जी करेंगे। क्या है, किस बेस पर आप बौद्ध बिल बना रहे हैं? बौद्ध बिल जैसा हमारे एडवोकेट साहब हैं, ये सारा कुछ उसके बारे में संवैधानिक रूल रेगुलेशन बताते हैं, हम सिर्फ सर क्या 22 नीति के जो बाबा साहब ने दी है, क्या वो आपके बिल का मेन आधार होगा? हाँ बिल्कुल वही होगा, बिल्कुल 22 प्रतिज्ञा आधार होंगे।